सिटीलाइट विस्तार में आवेल महेश्वरी भवन में महेश्वरी गणगौर ग्रुप द्वारा गणगौर सिंजारा उत्सव नु भव्य कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। सूरत शहर में वसता राजस्थानी समाज द्वारा तेमना समाज ना दरेक तेहवार ने हर्षो उल्लास नी साथे उजवामां आवता होय छे, त्यारे राजस्थानी समाज नो अति महत्वनो तेहवार एटले गणगौर उत्सव। पोताना परिवार नी साथे आ गणगौर तेहवार ने परंपरागत रीते महिलाओं द्वारा उजवामां आवतुं होय छे। सिटीलाइट विस्तार में आवेल महेश्वरी भवन में महेश्वरी गणगौर ग्रुप द्वारा एक भव्य गणगौर સંજારા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। 600થી પણ વધારે સમાજની મહિલાઓ એકત્રિત થઈ હતી। નાચી ગાઈની સાથે પોતાના બંડોલાને શિવ ગૌરીને તૈયાર કરીને એક જ સ્થળ પર લાવીને હર્ષોલ્લાસની સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। મહિલાઓ દ્વારા છેલ્લા 2 મહિનાથી આ ઉત્સવની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવતી હોય છે। વિવિધ રાજ્યના નૃત્યો મહિલાઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। ગણગોળના ગીતો ઉપર મહિલાઓએ નૃત્ય દર્શાવ્યું હતું। આ તહેવાર બાબતે વધુ માહિતી મહેશ્વરી ગણગોળ ગ્રુપના સભ્યોએ એબી ન્યૂઝ ચેનલને આપી હતી। नमस्कार। सूरत शहर यानी अलग अलग उत्सव और त्योहारों से भरा हुआ शहर है। यहाँ पे हर समाज अपने ही त्यौहार को बड़े ही हर्ष और उल्लास और उत्सव से मनाया जाता है। बात करें हम राजस्थानी समाज की, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है सूरत शहर की वो राजस्थानी समाज से है। आज हम बात करें कैसे त्यौहार की, जो बहुत ही ज़्यादा महत्व का त्यौहार होता है वो है गणगौर उत्सव। राजस्थानी समाज का अति महत्व जो त्यौहार हम मानते हैं वो है गणगौर, जहाँ पर शिव गौरी का जो है वो उसको रिलेटेड एक त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, जिसमें शिव गौरा की मूर्तियां हैं वो सजा के बंडोला है वो एक त्यौहार है वो मनाया जाता है। नई बहुएं हो या फिर लड़कियां हो और या फिर कई परंपराएं हो, वो इनसे जुड़ी हुई होती हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सरिता लाहोटी। जी आज ये जो क्या महत्व हो जाता है, कितने साल से भी इस त्यौहार को मनाया जा रहा है? देखो ये गणगौर त्यौहार तो बहुत मतलब पुरानी परंपरा है, अपने वो काफ़ी सालों से मनाते आ रहे हैं। ये शिव और पार्वती के रूप में मनाया जाता है। इसको हम लोग 16 दिन पूजती है कंवारी लड़कियां, फिर इसका हम लोग मतलब बनोले करते हैं, अपने जो ठंडा खाते हैं उसके बाद इसके बनोले चालू होते हैं। तो पहले घर घर ऐसे मतलब सिंगल सिंगल बनोला होता था, तो उसमें टाइम भी वेस्ट, पैसा भी वेस्ट और किसी के घर पर अच्छे से हम लोग इंजॉय नहीं कर पाते थे। तो अभी हम लोग मतलब एक हमारा ग्रुप है गणगौर ग्रुप, जैसे भटार से हम लोग सब, तो मतलब 16 जन हम लोग एक साथ मतलब डिसाइड किया, तो ये 13 साल से हम लोग एक साथ बनोला कर रहे हैं और ये मेसी भवन में ही कर रहे हैं। तो इसमें मतलब 12 महीने का हमारे लेडीज़ का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम लोग गणगौर जैसे मतलब 15 दिन अपने पियर आती है साल में, बेटी को 15 दिन ही अपने पियर जाना चाहिए, तभी उसका मतलब गाजे बाजे से उसका स्वागत होता है। आज कितने ढोल ढमके सारे हम लोग इतने अच्छे से करते हैं और पूरे 15 दिन बहुत बिजी, और ये सब नई दुल्हन जो होती है ब्राइडल जो होती है तो उनका तो मतलब 16 दिन पूजना रहता है, और बनोले का हम लोग को बहुत चाव रहता है, बहुत खुशियों से हम लोग 1 महीने से तैयारी करते हैं। जी जी आपका नाम? साक्षी मालपानी तोशनीवाल। जी आपका पहला गणगौर है, किस तरह की तैयारियाँ होती है, कितनी एक्साइटमेंट होती है शादी के बाद जो पहला गणगौर होता है? बहुत एक्साइटमेंट होती है। हम सुबह गणगौर पूजने जाते हैं, जहाँ प्रॉपर रिचुअल्स के साथ पूजा होती है। उसके बाद फिर हम बिकॉज 1 महीने से जैसे बताया प्रैक्टिस चलती है, बिकॉज बहुत बड़े स्केल में प्रोग्राम होता है, तो डांस प्रैक्टिसेस और पूरा एंकरिंग का रिहर्सल चलता है, एंड फाइनल के पहले हम स्टेज परफॉर्मेंस रिहर्सल भी करते हैं, और आज आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं हमारा, तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है। जी आपका नाम? और ये त्यौहार है जो पहली बार मनाया जाता है, हर एक जो अपना जो समाज एक साथ मिलकर एकता का जो संदेश है वो देती है। मेरा नाम साक्षी बहती है। जैसे कि मैं पहले जैन थी, बट ये मेरा पहली बार गणगौर में पूज रही हूँ, और ये जो रिलीजन्स और कस्टम्स जो है पुराने, उनको जिस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली ये लोग मनाते हैं, वो बहुत ही मतलब वेरी नाइसली दे पोर्ट्रेट देयर रिलीजन्स, जो बहुत ही काम बोलने लायक बात है। एंड जिस तरीके से हम सुबह उठते हैं, तैयार होती है हम सब लड़कियां, गणगौर पूछती है, उनको सजाती है, ये सब कस्टम्स करने में हमको बहुत मज़ा आती है, और ये हमको हमारे पूर्वजों के साथ जुड़ाए रखती है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। पूर्वजों की जो परंपरा है, बंडोला है, गणगौर उत्सव है, जो अपने राज्य से दूर रहकर भी अपने जो धर्म की भूमि है, कर्म की भूमि है सूरत शहर में आके इस त्यौहार को उसी तरह से उसी परिवार की एकता के साथ महेश्वरी भवन में महेश्वरी समाज बनाया जा रहा है। जी और क्या कहेंगे इस त्यौहार के बारे में? आज से 13 साल पहले हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था साथ में,
तब हम 15 मतलब लेडीज सिंगल लेडीज जो, और आज हमारे ग्रुप में 9 भवें आ चुकी है हमारे, और प्रोग्राम हर साल मतलब और ज़्यादा बढ़िया होके और अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। आप लोग भी आज देख रहे हो, आप लोगों को कैसा लगा? जो 600 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी होकर इसी तरह परिवार के साथ अपनी बहुएं बेटी को जो मान सम्मान जो है वो देकर ये त्यौहार को मनाती है।